नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम इलेवन मनी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो मैच को कवर करने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान का जो थर्ड ओडीआई होगा, फर्स्ट ओडीआई बारिश में अवंडेड हो गया था, सेकेंड ओडीआई हुआ था उसका भी रिकॉर्ड एनालिसिस आपको दिखाऊँगा। उसके बाद पिच कंडीशन क्या हो सकती है, कौन से प्लेयर बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्लेइंग इलेवन इंपॉर्टेंट प्लेयर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जो कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो भी सबसे पहले मिलेगी देखने को। तो मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, डायरेक्ट आपको यहाँ पर बेस्ट प्लेयर की बात करूँगा, पिच कंडीशन की बात करूँगा बेस्ट प्लेयर के। तो अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, फैंटेसी पावर 11 पर मैं खेल रहा हूँ, अच्छा विनिंग होता है और विड्रॉ भी आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाता है। तो खेलिए, चाहे आप बैंक से ले लीजिए या पेटीएम से ले लीजिए, दोनों का विड्रॉ 5 मिनट के अंदर है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑफ़र भी है, 15 तक ऑफ़र है, 15 मई तक, उसके बाद ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। 500 डिपॉजिट करते हो तो 500 एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा, आपको कैश बोनस भी कहीं कहीं 100% भी यूज हो जाएगा, अभी 50-25 ऐसे हैं, कई सारे लीगें मिलती रहेंगी आपको जो कैश बोनस भी आपका यूज हो जाता है। तो आप देख सकते हो बड़ी बड़ी लीगें हैं आपके पास, यहाँ पर खेलने के लिए बेहतर है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताते हो तो ये मुंबई, उसके बाद सौराष्ट्र जो प्रीमियर लीग है, तो मैं इसका भी कवर करूंगा, बाकी टेलीग्राम पर ज़रूर कवर करूंगा इन सब मैचों को। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे मैंने क्या बना रखा है। यहां पे तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, ड्रीम टू टीम सर्च कर लीजिए, ड्रीम इलेवन मनी के नाम से आ जाएगा, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं टीम आप लोगों को दे देता हूँ, आप देख सकते हो ये मैंने टीम दिया था, बल्लेबाजी की टीम, उसके बाद मुस्तफा कैप्टन, वाइस कैप्टन मिचमुजा, शकीब अल हसन। तो आप यहाँ पर जुड़ जाइए, टीम भी मिटली रहती है, आप देख सकते हो ये मैंने टीम दिया था, आप स्मॉल लीग आराम से विन कर जाओगे, नसीब ख़राब रहेगा तभी जाके आप हार सकते हो, बाकी हेड टू हेड के लिए बेस्ट टीम मैं आपको देता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ, बाकी वर्ल्ड कप आ रहा है वहाँ पर बड़ी प्लानिंग चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैंने कम्बिनेशन बनाया। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिस्ट्रोल में खेला जाएगा, जो कि यहाँ पर काउंटी क्रिकेट बहुत सारे हुए हैं रिसेंटली में, जो 4-5 मैच हुए हैं उसमें जो कि 300 से कम रन बने हैं, एवरेज स्कोर यहाँ पर 265 है, तो मेरे हिसाब से 280-290 के बीच के आसपास स्कोर होने वाला है। तो इस वजह से आप अपनी टीम को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी मैं बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा। स्पिनर भी यहाँ पे अच्छे चलते हैं, सबसे अच्छा यहाँ पे मैं बात करूँ इस विकेट पर, जहाँ तक मैंने सर्च कर पाया यहाँ पे मोइन अली और उसके बाद जो रूट बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं इस पिच पर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर मैं बात करूँगा प्ले वन के बारे में, डाउनलोड कर लीजिए, पैन वेरिफिकेशन के बाद आपको 30 रुपये मिलेगा, पैन वेरिफिकेशन भी ऑटोमेटिक है, कैश बोनस मिलेगा, आप हेड टू हेड यूज कर लोगे, ये ज़रूर डालना ड्रीम यहाँ पे हार्डी 11 करके, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए इंजॉयमेंट करिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत लो कम्पटिशन है, तो न्यू वेबसाइट है, लो कंपटीशन है, तो पेन वेरिफिकेशन के बाद आपको 30 रुपया मिलेगा, आपको करना क्या होगा मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये है प्ले वन, मैं यहाँ पर 2-3 लीगें खेल रखा हूँ, अभी टॉप पे हूँ, शायद टॉप पर ही रहूँगा, तो बेहतर प्लेटफॉर्म है, आइए खेलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 30 रुपया आपको रेफरल बोनस मिलेगा और आपको हेड टू हेड यूज करने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते, सबसे पहले यहाँ प्लेइंग 11 की बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, लास्ट मैच में पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, सिर्फ मात्र यहाँ 12 के मार्जिन से मैच को लॉस किया था। यहाँ पे इमामुल हक है, उसके बाद फ़कर जमान ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम आएंगे, हैरिस सोहेल है, मे भी यहाँ पर चेंज किया जाए, शोएब मलिक यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उसके बाद कैप्टन है विकेट कीपर, उसके बाद सरफराज अहमद, आसिफ अली अटैकिंग खेले हैं, इमायत वाजिम, फहीम अशरफ को भी चेंज किया जा सकता है, तो उसके बाद हसन अली, शाहीन अफरीदी, यासिर शाह। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर बेस्ट की बात करूँ तो अपर लेवल, सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कि इंग्लैंड है और उनके यहाँ होम ग्राउंड में चल रहा है मैचेस, तो जीतने का चांसेस जो बात होती है तो वो इंग्लैंड की है, वो आप एक तरफा टीम भी बना सकते हो इंग्लैंड में, बाकी मैं बना रखा हूँ
प्लेइंग 11 के हिसाब से क्या टीम क्या कम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और यहाँ पर पहले प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट मैच में फ़कर जमान ने बहुत अच्छी पारी खेले थे और बाबर आजम, उसके बाद आसिफ अली। तो बेस्ट में मैं बात करूँ आप लोगों के लिए तो फ़कर जमान है, बाबर आजम है, उसके बाद आपके पास सोएब मलिक हैं और यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे साइन अफरीदी, आप चाहो तो इमामुल हक को रख सकते हो, जो कि बेस्ट में इंपॉर्टेंट में है। तो इन्हीं कुछ प्लेयर को रख के अपनी टीम में कम्बिनेशन बनाइए। बाकी दूसरे टीम की मैं बात कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा। दूसरी टीम का बात देख सकते हो, ऊपर से यहाँ 5 प्लेयर ने 5 अटैकिंग खेला था, जो कि लो में थोड़ा सा जोर उठ रहे हैं लेकिन इस पिच पे बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। जेसन रॉय 87, जॉनी बेरेट्सो यहाँ पर 51 का स्कोर करके गए, उसके बाद जो रूट ने 40 का स्कोर किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो इयान मॉर्गन अटैकिंग 71, जॉस बटलर का तो लाजवाब पारी 55 बॉल पर 110, T20 के हिसाब से खेल रहे थे। तो मेरे हिसाब से आप ऊपर से 5 रख लो, कोई भी यहाँ से अगर मिस कर सकते हो, मे भी चल जाए तो फिर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो बेस्ट में ऊपर से 5, उसके बाद बेस्ट में आदिल राशिद, लियाम प्लंकेट, डेविड विली, ये 7 हैं, 6-7 हैं, मोइन अली। तो मैं चाहूँगा आपको बेस्ट की बात करूँ तो बेन जॉनी बेरिट्सो, जो रूट, मॉर्गन बटलर 4, उसके बाद मोइन अली 5, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद, 7 प्लेयर मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ इंग्लैंड की तरफ से, जो कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बेस्ट में हैं। तो इन्हीं को अपने टीम में रख के कम्बिनेशन बनाइए। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या मैंने टीम बना रखा है और क्या कम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं विकेट कीपर सेक्शन से यहाँ पे बटलर को रखा हूँ, बट यहाँ पर बैटिंग आती है तो अटैकिंग खेलेंगे। बाकी हम एक बैकअप टीम बनाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट में रहेगा। सरफराज अहमद भी एक अच्छे में है, चाहो तो आप रख सकते हो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट और बेस्ट में है सिर्फ और यहाँ पर जोस बटलर हैं, तो इनको अपनी टीम में रखें। बैटिंग सेक्शन से 5, जो रूट, जॉनी बेरिट्सो, उसके बाद इयान मॉर्गन और सोएब मलिक को मैंने रख लिया है। बात करूँ तो मैं जेसन रॉ को छोड़ दिया, आप चाहो तो रख सकते हो, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट और अटैकिंग बल्लेबाज हैं। आप अगर ऊपर से रखना चाहते हो, मेरे हिसाब से कल विकेट गिरने वाले हैं तो जो रूट अच्छा करेंगे। बाकी हम बैकअप टीम में आपको ज़रूर दिखाएंगे। हैरी सोहेल में भी चेंज हो सकते हैं, फ़कर जमान को रखा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो अली हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी यहाँ पर कोई उतना अच्छा और सेफ में इंपॉर्टेंट में नहीं है, सिर्फ आसिफ अली आपको मिल जाएंगे अच्छे में इंपॉर्टेंट में। यहाँ पर जेसन रॉय हैं और उसके बाद इमामुल हक अच्छे में, और बात करूँ तो बाबर आजम। ये 3-4 प्लेयर बेस्ट में हैं, तीनों को अपने टीम में रखिए और कम्बिनेशन बनाइए बेस्ट में हैं। बाकी मैं आपको बैकअप ज़रूर दिखाऊंगा। बेस्ट में जो मैं इस फर्स्ट टीम में रखा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में, सिर्फ इमैद वाजिम, उसके बाद यहाँ पर मोइन अली को मैंने रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बटलर को रख सकते हो, हफीज इंजर्ड है नहीं खेलेंगे, क्रिस ऑक्स को आप चाहो तो रख सकते हो, 10 ओवर बॉलिंग कराएँगे तो बेस्ट में हो सकते हैं आपके लिए। उसके बाद आदिल राशिद को मैंने नहीं रख पाया, जो कि इस पिच पर इन्होंने 5 विकेट निकाल चुके हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप देख सकते हो, लेकिन बैकअप में रखा हूँ। यहाँ पर हसन अली हैं, मोहम्मद आमिर कम चांसेज है खेलने का, जोफर आरेचर का भी वही हाल है, कम चांसेज है। उसके बाद डेविड वली को रखा, यासिर शाह को रख सकते हो, और यहाँ पर कोई उतना सेफ में नहीं है, इंपॉर्टेंट में नहीं है, तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ उस। और यहाँ पर मैं आपको बैकअप टीम भी दिखाऊँगा, आपको देख सकते हो प्रीव्यू। कैप्टन जो रूट को बनाया, वाइस कैप्टन जोस बटलर, यहाँ पर वाइस कैप्टन के लिए आपके पास हैं जॉनी बेरिट्सो हैं, ये कुछ अच्छे में इंपोर्टेंट, फ़कर जमान, अगर बाबर आजम रख सकते तो अभी आपके पास बेस्ट में है कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए। मैं आपको यहाँ पर बैकअप टीम बनाता हूँ, उससे पहले लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स वीडियो को। बैकअप टीम आप देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा रियल 11 के बारे में। यहाँ पे आपको 50 रुपया मिलेगा, कहीं कहीं लीग में आपको 100% यूज होने को मिलेगा, बट सारी लीगें में नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे बोनस भी ऑफर है, तो आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एक अच्छे में बेस्ट में ये भी है जो कि अच्छे में है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसका आपको टीम भी मिल जाया करेगी। मैं आपको दो वो टीम दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो दूसरी टीम के डायरेक्ट प्रीव्यू वहाँ पे आप मेरे पास, यहाँ पे जॉनी बेरिट्सो को कैप्टन, जोस बटलर को वाइस कैप्टन, आदिल राशिद, लियाम प्लंकेट, मोइन अली, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद इसलिए रखा है यहाँ पे कि जो यहाँ पर पिच है
इस पिच पर इन दोनों ने 5-5 विकेट निकाल चुके हैं काउंटी में, जो कि बेस्ट हो सकते हैं। तो आप चाहो तो अपने टीम में रख सकते हो यहाँ पर, अगर आप क्रेडिट पॉइंट मेंटेन कर लेते हो तो बाबर आजम भी एक अच्छे में, मेरे हिसाब से ये लास्ट मैच में चल चुके हैं तो मे भी ना चले, बट अच्छे में है, हर किसी के पास टीम में रहेंगे तो अपने भी टीम में रखो, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन। इसकी टीम भी प्लेइंग 11 आने के बाद अपडेट कर देता हूँ, तो ये हो गया। बाकी यही टीम आप सेम टू सेम आप बल्लेबाजी में ज्वाइन कर सकते हो, सेम टू सेम क्रेडिट पॉइंट में। आपको फैंटेसी पावर की टीम दिखाता हूँ, अभी देख सकते हो यहाँ पे, फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पर फैंटेसी पावर की टीम दिखा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ चाहूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट आपका मेंटेन करना नहीं पड़ेगा बहुत ईजिली। बटलर, जोनी बिट्सो, मॉर्गन, बाबर आजम, फ़कर जमान, मोइन अली, शोएब मलिक, आदिल रासिल, लियाम प्लुंकेट, शाहीन अफरीदी, इसके बाद भी मेरे हिसाब से क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे बचा होगा, आप देख सकते हो फिर भी 1.5 बचा है। तो यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, सारा आप प्लेयर को अपने टीम में मेंटेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।